सो हे गाइस, स्वागत आपके यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपने स्टार्ट में यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो देखी है गाइस, ये वाली जो वीडियो है इंस्टाग्राम की रील पर बहुत ही तेज से वायरल हो रही है। आप इस तरह की ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स वीडियो और साथ के साथ यहाँ पर देख भी सकते हो आप, जो यहाँ पर एक बर्ड पीएनजी और स्काई आ रहा है, तो इस तरह की वीडियो आप कैसे एडिट करोगी ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो वीडियो जो होगी आपको एंड तक वॉच करनी है, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको इस तरह की वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर एक ऐप की जरूरत होगी जिसका नाम है VN एप्लीकेशन। आपको डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करना होगा, प्लस का आइकन मिलता है, क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट होगा वहां पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको खुद की एक वीडियो लेके आनी होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्काई होना चाहिए। वीडियो को लाने के बाद सबसे पहले म्यूजिक को जो होगा म्यूट कर देना होगा। म्यूट करने के बाद आपको ऊपर तीर के अनुसार वहां क्लिक करने के बाद 9.16 से आपको यहाँ पर ले लेना होगा। एंड में यहाँ पर आपको वाटरमार्क मिलता है VN एप्लीकेशन का, यहाँ पर क्लिक करके इसे यहाँ से जो होगा डिलीट कर देना होगा। डिलीट करने के बाद बिल्कुल आगे आना आपकी वीडियो में, यहाँ पर स्काई पहले से एडिट है ये जो मैंने वीडियो ली है, बट मैं इसमें आपको स्काई और बर्ड दोनों यहाँ पर जो है एडिट करके दिखाऊंगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ब्लैक स्क्रीन वाली वीडियो एडिट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल आगे आना है, जहां पर तीर का निशान है आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जहां तीर का निशान है वहां पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको व्हाइट और जो है ब्लैक मिलते हैं बैकग्राउंड एक तरीके के, आपको यहाँ पर ब्लैक वाला लेना है। इसे यहाँ पर जो होगा घसीट के आपको एंड तक यहाँ पर जो होगा आपको लेके चले जाना होगा। जाने के बाद थोड़ा सा रुकना है, बिल्कुल यहाँ पर आगे आना है, म्यूजिक का आइकन देखोगे ऊपर क्लिक करना है, और म्यूजिक के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको म्यूजिक पे क्लिक कर देना है। जहां पर तीर का निशान है आपको वहां पर क्लिक करना है, जहां पर तीर का निशान है वहां क्लिक कर देना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको वीडियो दी है, अगर आप उस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद ये वाला प्रोसेस करोगे तो जो वीडियो होती है वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगी, आपका जो वीडियो होगी वो म्यूजिक में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। आपको अपने म्यूजिक में यहाँ पर जो है इसे ऐड कर देना होगा। ऐड करने के बाद म्यूजिक में आपको यहाँ पर बीट मैच करनी है, तो बीट मैच करने के लिए म्यूजिक पर क्लिक करना है, जहाँ पर तीर का निशान है वहाँ क्लिक करना है, जहाँ तीर का निशान था वहाँ क्लिक कर देना है। अपने म्यूजिक को प्ले करके देखना है, और जहां जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर बीट है व्हाइट वाले फ्लैग पर क्लिक कर आपको इसमें बीट लगा देनी होगी। बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पर जो है बीट लगा सकते हो, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है अच्छे से यहाँ पर बीट लगानी है। बीट लगाने के बाद सिंपल क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ओके कर देना होगा। तो मैं यहाँ पर बीट लगाने के बाद जो है ओके कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, म्यूजिक में एक तरीके की जो अलग से यहाँ पर बीट लग चुकी है। तो मैंने यहाँ पर जो है एंड में भी बीट लगाई है, यानी कि जहाँ से हमारी वीडियो आती है, तो आपको नीचे वाला पार्ट पर क्लिक करना होगा, बैकग्राउंड पे दो पार्ट में डिवाइड करना है, जो सेकंड वाला पार्ट है उसको यहाँ से जो होगा आपको डिलीट कर देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी वीडियो आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर टैक्स मैच करना है, यानी कि टैक्स लगाने हैं, तो टैक्स का ऑप्शन देखोगे यहाँ क्लिक करना है, टैक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है साइड में जहाँ पर आप टाइप करोगे, तो यहाँ पर जैसे ही आप यानी कि टाइप करते हो तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, यानी कि तू ही अस्त्र है, तू ही मेरा शस्त्र है। उस तरीके से आपको बीट के हिसाब से यहाँ पर लाइन लिखनी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ लाइन, उसके बाद यहाँ पर डबल ए पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफी सारे हमें फॉन्ट मिलते हैं, इनसे जो सा आपको सही लगता है वो फॉन्ट आप यहाँ पर ले सकते हो। लेने के बाद गाइस सिंपल आपको एक फॉन्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आगे यहाँ पर जो है इसका एडजस्टमेंट, यानी कि यहाँ पर आप उसको जो है छोटा या बड़ा भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है क्लिक करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो यानी कि सेंटर है, जहां पर तीर का निशान है वहां पर अगर आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पर क्लिक करने के तुरंत बाद गाइस कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसे आप यहाँ पर सेंटर में दाएं बाएं यानी कि जहां पर आपको सेट करना है वहां पर बहुत इजीली से आप सेट कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, सेंटर में सेट करने के बाद इसे घसीट के एंड तक आपको लेके जाना है, जहां पर आपके यानी के लिरिक्स आते हैं वीडियो से पहले, यहाँ पर आपको इसको सेट करना होगा। सेट करने के बाद इसमें एनिमेशन देने हैं, यहाँ पर आपको एनिमेशन देने हैं। कैसे दोगे, जहाँ पर तीर का निशान है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इन आउट और लॉक एनिमेशन मिलते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है अभी इसमें जो है सिर्फ इन और आउट एनिमेशन दे रहे हैं। तो इसमें एनिमेशन काफी सारे हैं, जो उनसे चाहे आप वो दे सकते हो, बट ज्यादातर जो एनिमेशन चलता है वो सबसे पहले वाला एनिमेशन चलता है जो मैंने इन एनिमेशन में दिया था, आउट में भी यही चलता है। तो आप दोनों में यही एनिमेशन यहाँ पर दे देना। दोनों में एनिमेशन देने के बाद आपको यहाँ पर बीट के हिसाब से अपने टेक्स्ट को जो होगा क्रॉप करना होगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, बीट के हिसाब से आना है, सीजर की मदद से दो पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपको अगले यहाँ पर टेक्स्ट पे आना है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर रुकना होगा, दो पार्ट में क्लिक करके इसे यहाँ से जो होगा डिलीट जो है मतलब कि दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, यानी कि आपको हर उस पर आना होगा तेजी से, और यहाँ पर जो आपको डिवाइड करते चले जाना होगा। काफी स्पीड से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा इसमें करके, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में मैंने बहुत इजी तरीके से बता दिया। इसके बाद आपको वापसी यहाँ पर देख सकते हो, सारे के सारे यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर मैं कर चुका हूँ, यानी कि अलग अलग तरीके से। अब इसको एडिट करना होगा, तो यहाँ पर जहाँ पर एडिट का ऑप्शन था आपको वहां पर क्लिक करने के बाद जो सेकंड वाला टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर आ चुका है। फिर मैं तीसरे वाले पे आऊंगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, एडिट का ऑप्शन है,
वहां पर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर क्लिक करने के बाद जो मेरा फॉन्ट यानी कि जो मुझे लिखना है वो मैं यहां पर लिखूंगा और उसे लिखने के बाद मैं उसको यहां पर इस तरीके से सेट कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, यहां पर जो है सारे के सारे जो हमारे टैक्स हैं उसको यहां पर बारी बारी आपको यहां पर सेट करने होंगे, बारी बारी यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको सारे के सारे यहां पर लिरिक्स इस तरीके से लिख लेने हैं। आपको एनिमेशन वगैरह यहां पर नहीं देने होंगे क्योंकि वो मैं पहले ही स्टार्टिंग में यहां पर आपको देख के बता चुका हूं। तो यहां पर देख सकते हो, अगर आप अपनी वीडियो को प्ले करके देखते हो तो आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से ब्लैक स्क्रीन वाली वीडियो यहां पर बनके तैयार हो जाएगी। अब हमें एंड की जो वीडियो इसको यहां पर बनाना होगा, तो इसे आप कैसे एडिट करोगे, आपको क्या करना होगा, ये व्हाइट वाला प्लस का आइकन देखोगे आपको यहां पर जो होगा क्लिक करना है। यहां पर आपको मिलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट काफी सारे, तो इनमें से आपको जो सही लगे वो आप यहां पर ले सकते हो। ये ज्यादातर इफेक्ट जो है ट्रांजिस्टर इफेक्ट जो है ज्यादातर वायरल होता है, तो इनमें से आपको जो सही वो ले सकते हो, या फिर मैं जो ले रहा हूँ पहले वाला व्हाइट वाला ये ले सकते हो या फिर ब्लैक वाला ले सकते हो। तो इनमें से आपको कोई सा भी यहाँ पर एक ले लेना होगा। लेने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, तो हमें इसमें स्काई और जो बर्ड वाली पीएनजी होती है वो दोनों एडिट करना है। तो मैं इसमें थोड़ा एडिट करके आपको थोड़ा डिफरेंट एडिट करके यहाँ पर दिखाता हूँ। थोड़ा सा हम यहाँ पर आगे आएंगे, दो पार्ट में हम यहाँ पर इसको जो है डिवाइड कर देंगे सीजर की मदद से। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना होगा, सेकंड वाला जो पार्ट है आपको यहाँ पर स्काई और पीएनजी लगानी होगी। तो जहां पर तीर का निशान है वहां पर क्लिक करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल मटेरियल करके मैंने आपको पहले ही मटेरियल यहाँ पर सारा दे रखा है, आपको उसमें से एक वीडियो को यहाँ पर लेके आना होगा। तो मैं यहाँ ये वाली लेके आ चुका हूँ। इसी तरीके से आपका स्काई भी एडिट होगा, बट मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बर्ड पीएनजी वीडियो एडिट करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आपको देखना होगा एंड तक कि आपके जहाँ तक म्यूजिक है वहाँ तक ये बर्ड पीएनजी लग रही है या नहीं। तो आपको इस तरीके से इसे अच्छे करना है। मास्क का ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा, आपको मास्क के ऑप्शन पर क्लिक करके फर्स्ट वाला ऑप्शन लेना है। इसे इस तरीके से यहाँ पर जो होगा आपको रोटेट कर देना है, रोटेट करने के बाद व्हाइट वाला तीन नीचे करना है और इसे ऊपर नीचे यहाँ पर अच्छे से जो होगा सेट कर देना होगा। सेट करने के बाद गाइस यहाँ थोड़ा सा अच्छे से सेट करना है, उसके बाद आपको ओके करना है। यहाँ पर आपको मिलता है ब्लेंडिंग का ऑप्शन, यानी कि ब्लेंडिंग से क्या होगा थोड़ा डिफरेंट लुक वाइज आपको देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग का हम यूज करेंगे। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद काफी सारे ऑप्शन, तो इनमें से आपको जो सही लगे आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो मैं इसका यहाँ पर यूज करके देखता हूँ, ये वाला काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ा स्काई भी पहले से एडिट था तो बर्ड पेनजी कुछ डिफरेंट यहाँ पर लगेगी। आप इसी तरीके से स्काई भी यहाँ पर एडिट कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको वीडियो दे रखी है ऑल मटेरियल करके, आप उस पर क्लिक करोगे तो तुरंत आप जो है सारे जो जहाँ पर मटेरियल है टेलीग्राम चैनल पर उस पर आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। तो आपको एंड में आना है, एंड में आने के बाद नीचे जो वीडियो है उस पर क्लिक करके दो पार्ट में डिवाइड करना है। सेकंड वाला जो पार्ट होगा उसे यहाँ से डिलीट कर देना और इसी पार्ट पे आपको यहाँ पर रुकना है जो हमने सेकंड वाला पार्ट किया था दो पार्ट में डिवाइड करके। इसमें हमें एक शेक इफेक्ट देना होगा, तो यहाँ पर क्लिक करना है, इसमें शेक या बाउंस इफेक्ट देना है ताकि जो हमारे मतलब कि जो बर्ड पीएनजी आते हैं वो थोड़ा अजीब ना लगे, एकदम से थोड़े डिफरेंट लगने चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाला इफेक्ट देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बिल्कुल जो है आगे आएंगे अपनी वीडियो को, अगर यहाँ पर हम प्ले करके देखते हैं तो हमारी जो वीडियो गाइस वो पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। इस तरह की वीडियो आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हो, एडिट कर सकते हो। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को आपको सेव करना होगा, तो वीडियो को आपको वहां पर ऊपर का तीर का निशान है वहां पर क्लिक करके इस वीडियो को सेव कर लेना। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ।